फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कुछ बहुत ही अच्छी मैक्रोनिश के कीवर्ड, या तो कहिए कि ब्लॉग का कीवर्ड, या बहुत ही अच्छी कीवर्ड मैं बताने वाला हूं। यहां पे आपको पांच कीवर्ड से ज़्यादा बताऊंगा मैं, पाँच कीवर्ड में आज आपको बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए रोज डेली इसी तरह का कीवर्ड रिसर्चिंग करके कीवर्ड लाता रहता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। वो इस तरह का कीवर्ड मैं आपके यहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कीवर्ड रिसर्चिंग और एडवांस SEO का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। और अगर आप में किसी भी प्रकार का टूल वगैरह या प्लगइन वगैरह, थीम वगैरह या कुछ भी बाय करना हो, चीपेस्ट डोमेन, चीपेस्ट होस्टिंग, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको आज का कीवर्ड आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहला कीवर्ड हुआ है शाही पनीर, यानी कि यह रेसिपी वाले के लिए है। शाही पनीर कैसे बनाया जाता है, आप इस शाही पनीर क्या होता है आप यहाँ पे बता सकते हैं शाही पनीर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका CPC काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको 22K का वॉल्यूम है, लेकिन इसमें आपको 7K का सर्च है तो भी कोई बुराई नहीं है। इसमें आप यहाँ पे इनका ऑर्गेनिक सर्च जो है कि 99% से भी ज़्यादा है। आप यहाँ पे पेड मात्र 1% है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ 99% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आपकी हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। आप इसके थ्रू, ये सब के थ्रू आप यहाँ पे रैंक करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि शाही पनीर कैसे बनाई जाती है। इसके ऊपर हम मैक्रो नीज भी बना सकते हैं सिर्फ पनीर के ऊपर। तो इसके लिए तो कीवर्ड्स मैं आगे आने वाली वीडियो में लाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं YouTube को बीट किया हुआ है इस बंदे ने। तो आप यहाँ पे indianhealthyrecipe.com, यानी कि आप यहाँ पे 16 बैंक लीग में जब ये रैंक करवा सकता है तो आप लोग भी बीट कर सकते हैं ये सबको, और यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। और इनका RF रैंक जो है से आप देख सकते हैं 3,13,000, यानी कि बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यह कीवर्ड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस पर काम स्टार्ट कर दीजिए ताकि कंपटीशन ज़्यादा ना बढ़े। अभी तो ईजी है, यहाँ पे देख सकते हैं ईजी है रैंक करवाना। तो शाही पनीर कैसे बनती है आप गूगल में फाइनली सर्च कीजिए, यहाँ पे फाइनली गूगल में सर्च कीजिए, आप देख सकते हैं शाही पनीर यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बनाई जाती है। पूरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नीचे आप बनाना सिखा सकते हैं। अब आपको मैं आपका दूसरा कीवर्ड बता देता हूँ जो कि है पीपल ट्री, यानी कि पीपल ट्री क्या होता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्या होता है, कब क्या होता है उसके बारे में आप बता सकते हैं पीपल ट्री के बारे में। इनका पूरा ग्लोबल वॉल्यूम है 30K और CPC इनका 0.60 है और क्लिक इनका 6K आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका, यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है, शायद नेट के प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब वेबसाइटें रैंक है यहाँ पे, आप यहाँ पे रैंक आसानी से करवा सकते हैं। आप पीपल ट्री क्या होता है आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको गूगल में सर्च करके बता देता हूँ कि क्या होती है। देख सकते हैं पीपल का ट्री है जो कि बरगद के पेड़ बोलते हैं हिंदी में। फाइनली मैं झारखंड से हूँ तो मुझे देहाती बोलना आता है, इसलिए देहाती बोलता हूँ। 3 लैंग्वेज आता है मुझे। तो मैं आपको अगला कीवर्ड्स बताने वाला हूँ और इसमें ये सब जो है आपका हेल्पिंग कीवर्ड्स होंगे, आप ये सब हेल्पिंग कीवर्ड के माध्यम से भी रैंक करवा सकते हैं। तो अगला जो हमारा कीवर्ड है वह है गुलाब जामुन, यानी कि आप गुलाब जामुन बनाना सिखा सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि गुलाब जामुन कौन देखेगा, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों गुलाब जामुन, ये लोग जो गुलाब जामुन बताए होंगे ये लोग बहुत पहले से बताए होंगे, इनका
जो होगा नए तरीका का गुलाब जामुन बनाना नहीं सिखाए होंगे, क्योंकि इनका आर्टिकल थोड़ा पहले का होगा, सॉरी ये 7 डे पहले ही लिखे हैं। तो आप लोग गुलाब जामुन बनाना सिखा सकते हैं, और आजकल लोग चाहते हैं कि लेटेस्ट तरीका से हम लोग गुलाब जामुन बनाना सीखें। तो देखते हुए मुंह में पानी आ गया, सॉरी मजाक किया था अभी। तो आप लोग यहाँ पे गुलाब जामुन का भी कीवर्ड्स देखिए, ये सब हेल्पिंग कीवर्ड्स है, ये सब के माध्यम से आप रैंक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ये सब पे। ये सब रेसिपी के लिए आज बता रहा हूँ। और मैं अगला कीवर्ड सबको बता देता हूँ, जो कि है ची सीड्स, यानी कि चाय ची सीड्स इन हिंदी, या हिंदी वेबसाइटों के लिए है ची सीड्स इन हिंदी। यह आप देख सकते हैं कि CPC इनका 0.07 है, वॉल्यूम इतना है इतना, और इनका ग्लोबल सर्च इतना है, और यह बहुत ही अच्छी कीवर्ड है, क्योंकि ऐसा कीवर्ड, यह हिंदी वेबसाइट इनका है उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि हिंदी में अभी उतना कंपटीशन नहीं है। तो आप हिंदी में अच्छा अगर आप हैं तो आप बना सकते हैं वेबसाइट हिंदी। अगर आप लोग बोलिएगा कि हिंदी में आप सीरीज रहिए, तो हिंदी वेबसाइट में आज ही एक बनाया हूँ, तो उसको मैं शुरू कर रहा हूँ हिंदी वेबसाइट मैंने, तो क्योंकि हिंदी में भी कंपटीशन कम है, तो हिंदी में भी काम करना चाहिए। और इंग्लिश वेबसाइट है मेरा तो है ही है, अच्छी खासी वहाँ से अर्निंग हो ही रही है, लेकिन हिंदी वेबसाइट में भी अभी थोड़ा सा कंपटीशन कम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए, तो बनाया हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सीरीज लाइए, SEO वगैरह कैसे रैंक करवाएं, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, आप लोग के सामने जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों और यह बता देता हूँ क्या क्या होती है ची सीड्स, क्या होती है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा तो सॉरी, इसके लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। चिया बीज यानी कि चिया सीड्स होता है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत ही हो रहा होगा। तो देख सकते हैं ये सब वेबसाइटें रैंक है, ये सब वेबसाइट रैंक है, तो आप देख सकते हैं चिया सीड्स क्या होती है, उनके बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पे ये सब हेल्पिंग कीवर्ड आपको है, LSI कीवर्ड जिसको बोलते हैं, और आपको ये सबसे माध्यम से रैंक करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आज का लास्ट कीवर्ड आपको बता देता हूँ, सॉरी 1 मिनट टाइम लेगा, थोड़ा सा नेट स्लो हो गया मेरा, 1 मिनट। यह कीवर्ड है हेलो मीनिंग इन हिंदी, है वे हिंदी कीवर्ड के लिए है, यानी कि हेलो का मीनिंग क्या होता है हिंदी में लोग जानना चाहते हैं, वो लोग हैं 25K, यानी कि 25,000 लोग जानना चाहते हैं। और इनका CPC तो खैर पूछिए मत, CPC आप देख सकते हैं कि कितना, $1.5 के करीब है। और यहाँ पे ये सब हेल्पिंग कीवर्ड्स है, और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रैंक है, शब्दकोश, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब की वेबसाइट है यहाँ पे रैंक, जो कि बहुत ही आसानी से आपको आराम से रैंक करवा सकती है। तो दोस्तों चलिए बता देता हूँ कि हेलो मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। यहाँ पे हिंदी में आप सर्च करके आराम से रैंक कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे आप एडवांस कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये सब ट्रिक्स मैं आपको अपने कोर्स में बताता हूँ, तो आप हमारे कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। तो यह 95,000 लोगों ने इस कीवर्ड को यूज किया है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह कीवर्ड्स को कितना लोगों ने साइट में यूज किया है और URL में। तो साइट URL है, उसके बाद आप लोग सर्च कर दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है इसको, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यार रैंक करवाना, लेकिन रैंक आराम से चेक कर जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बाय, लव यू ऑल।